हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेश और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अरे रे 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 रे, आ गया ना मुंह में पानी। अरे भाई, मैं आपको पिज्जा की रेसिपी बताने या पिज्जा खिलाने नहीं आया हूं। मैं तो आज आपको पिज्जा और मैथ्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने आया हूं। जी हाँ, पिज्जा एंड मैथमेटिक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्जा को पिज्जा ही क्यों कहते हैं? जी हाँ, इसके पीछे छुपी है एक मैथमेटिक्स। पर ये मैथ्स समझने से पहले हम जान लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द पिज्जा। दोस्तों, पिज्जा एक ऐसा फूड है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि आयताकार बॉक्स में आता है और इसका शेप होता है सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। और इंटरेस्टिंग बात कि दोस्तों, इसे हम ट्राइंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार रूप में खाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग पिज्जा एंड मैथमेटिक्स। दोस्तों, इससे भी कहीं ज्यादा रोचक बात है कि पिज्जा को पिज्जा ही क्यों कहते हैं। तो आइए अब हम ये वाली मैथमेटिक्स भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए लेते हैं हम एक पिज्जा। तो ये रहा हमारा पिज्जा। दोस्तों, इस पिज्जा को जब हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसका शेप एक सिलेंड्रिकल शेप है यानी कि ये एक बेलनाकार रूप में है। और दोस्तों, क्या आपको पता है सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है? जी हाँ, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ, जहां पर आर है इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या और एच है इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई। अब यदि इस पिज्जा की रेडियस यानी कि त्रिज्या हम जेड ले लें और इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई हम ए ले लें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई जेड जेड ए यानी कि पाई जेड स्क्वायर ए। अब दोस्तों, यदि हम पाई को पी आई लिखें और जेड स्क्वायर को लिखें जेड और जेड तो ये बन जाएगा पी आई जेड जेड ए। अरे, ये बन गया हमारा पिज्जा। क्या बात है। तो पिज्जा के वॉल्यूम से हमने नहीं पता लगा लिया कि पिज्जा को पिज्जा ही क्यों कहते हैं। है ना मजेदार फैक्ट दोस्तों। ऐसे ही कहीं इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के तरह तरह के रोचक मैथमेटिक्स के और साइंस के वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।